नमस्कार बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद लेखन पर। अनुच्छेद का क्या महत्व है, इसका लिखने का क्या तरीका होता है, क्या ढंग होता है, हम इन बातों पर चर्चा करेंगे आज। पहले इसको शब्द को समझने का प्रयास करते हैं कि अनुच्छेद लेखन होता क्या है। अनुच्छेद लेखन को अंग्रेजी में पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। अब आप बात को समझ गए हैं। अब हम इसको परिभाषित करते हैं। किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सार गर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है, उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद में आने वाले सभी वाक्य एक ही विषय या विचार से संबद्ध होने के कारण परस्पर जुड़े होते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर कोई घटना है या कोई हम दृश्य का वर्णन करना चाहते हैं, किसी सीन को बताना चाहते हैं, या कोई विषय है, कोई टॉपिक है हमारा, उसको हम अगर हम संक्षिप्त लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं, किंतु सार गर्भित का मतलब क्या हुआ कि उसमें संक्षिप्त तो है लेकिन उसमें कम शब्दों के अंदर ही सभी बातें संक्षिप्त करके कही जाती है। उसका एक ढंग होता है कहने का, उसका एक शैली होती है, उसका एक स्टाइल होता है। जिस तरीके से, जिस शैली से इसको प्रस्तुत किया जाता है, किसको, किसी घटना, दृश्य अथवा किसी विषय को छोटा करके, लेकिन उसमें डिटेल होती है, उसकी कम शब्दों में भी, उसी को हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। इसकी एक विशेषता और भी है कि अनुच्छेद के जो भी वाक्य होते हैं, जो भी सेंटेंसेस होते हैं इसमें, वो एक ही विषय से जुड़े होते हैं, एक ही विचार से जुड़े होते हैं, उनमें अनावश्यक विस्तार नहीं होता अन्य विचारों का। इसके बाद है अनुच्छेद लेखन की कुछ विशेषताएं होती है। अनुच्छेद लेखन से पूर्व उनको जान लेना आवश्यक है। अनुच्छेद लेखन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, विषय का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। जिस विषय पर हम अनुच्छेद लिखने का प्रयास कर रहे हैं, उस विषय का हमें उस समय के अनुकूल ज्ञान होना चाहिए, अर्थात उस विषय की हमें पूरी जानकारी होनी आवश्यक है। अगर हमें अधूरी जानकारी है उस विषय की, तो हमारा अनुच्छेद अच्छे प्रकार से नहीं बन पाएगा, अच्छे प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, उसमें ज्ञान का अभाव रह जाएगा। लिखने वाली बातों का निश्चित क्रम होना चाहिए। जो भी बात हम उस अनुच्छेद में, उस पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं, उन बातों का एक क्रम होना चाहिए, अर्थात हमारी जिंदगी में जो भी काम होते हैं वो क्रमानुसार होते हैं। आप कोई अगर सिनेमा देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, या कोई टीवी सीरियल, धारावाहिक, नाटक देखते हैं, या कोई कहानी पढ़ते हैं, या कोई निबंध पढ़ते हैं, आप उसमें देखते हैं कि उसमें जो बातें कही जाती हैं उनका एक निश्चित क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है उनका। ऐसे ही जब हम अनुच्छेद लिखते हैं, अनुच्छेद लिखते समय उन बातों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, वो सीक्वेंस सही होना चाहिए। जो बातें शुरू में कही जानी चाहिए वो शुरू में ही हो, मध्य वाली बातें मध्य में होनी चाहिए, और अंत वाली बात अंत में ही होनी चाहिए, तभी हमारा अनुच्छेद प्रभावी हो जाता है। अगला है, अनुच्छेद की भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए। जो भी हम अनुच्छेद लिखते हैं उसकी भाषा बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, उसको कोई भी पढ़े उसका अर्थ वो निकाल ले, और सुबोध, उसको अच्छी प्रकार से समझ होनी चाहिए, अर्थात भाषा सरल हो और अच्छे प्रकार से उसका बोध हो, ऐसी भाषा का प्रयोग हमें अनुच्छेद लेखन में करना चाहिए। अर्थात अगर हम गहरे अर्थ उसमें देने का प्रयास करें, या हम गंभीर बात कोई कहें, वो गंभीर बात भी अगर हम कहना चाहते हैं, उसकी भाषा इतनी सरल होनी चाहिए, चाहे कोई
उसको बालक पढ़ना चाहे या कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति पढ़े या कोई बहुत बड़ा विद्वान पढ़े, सबके लिए उसका भाव समान रूप से स्पष्ट हो जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बातों को ही लिखना चाहिए, अनावश्यक को नहीं, क्योंकि जो अनुच्छेद होता है इसमें शब्द सीमा होती है, अधिक शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते हैं, इससे अनुच्छेद का प्रभाव कम हो जाता है, चमत्कार समाप्त हो जाता है। इसलिए जो भी बातें महत्वपूर्ण हैं उनको ही हमें लिखना चाहिए, जो बातें अनावश्यक हैं जिनकी आवश्यकता ही नहीं है उनको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। सभी वाक्यों में परस्पर संबंध, रोचकता तथा विराम चिह्नों का उचित प्रयोग होना चाहिए। अर्थात जब भी हम अनुच्छेद लिखते हैं उसमें जो हम वाक्य प्रयोग करते हैं वो आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, अर्थात उन वाक्यों में एक वाक्य के साथ दूसरे वाक्य का जो भाव है वह जुड़ा होना आवश्यक है। उसमें रोचकता होनी चाहिए, अर्थात जब कोई उसको पढ़ेगा तो उसके मन में एक इंटरेस्ट क्रिएट होता हो, ऐसा जो संबंध है उसमें वाक्यों के अंतर्गत होना आवश्यक होता है। और साथ ही जहाँ पर जिस भी विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए उसी का हमें करना चाहिए। अगर अल्प विराम की आवश्यकता है तो अल्प विराम लगाइए, अगर पूर्ण विराम की आवश्यकता है तो पूर्ण विराम लगाइए। अगर विस्मय बोधक हम प्रयोग करना चाहते हैं, वैसा कोई भाव है, वैसा कोई वाक्य है, तो हमें वैसा ही विराम चिन्ह हमें प्रयोग करना उचित होता है। इसके बाद है शब्द सीमा लगभग 100 तक ही होनी चाहिए। जब हम कोई अनुच्छेद लिखते हैं तो उसमें जो शब्द सीमा होती है वह लगभग 100 है, वह 90 भी हो सकती है, 100 से 5-10 ऊपर भी हो सकती है। भाव यह है कि हमारी जो बात है वह पूर्ण रूप से हो जानी चाहिए। अगर हम गिनती के ही 100 शब्दों का प्रयोग करते हैं और हमारी बात पूरी नहीं हो पाई है तो वह अनुच्छेद अपूर्ण माना जाता है। इसलिए लगभग 100 शब्दों के आसपास हमें अपनी बात को समेट लेना चाहिए। अंतिम है भावानुकूल मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। अगर उस अनुच्छेद में कोई ऐसा हमारा भाव है जो मुहावरे से जुड़ा हुआ है या किसी लोकोक्ति के साथ जुड़ा हुआ है तो हम भाव के अनुकूल, भाव के अनुसार किसी मुहावरे या लोकोक्ति का प्रयोग करके अपने अनुच्छेद को प्रभावी बना सकते हैं। इसके बाद है एक उदाहरण है, इससे हम स्पष्ट करेंगे कि अनुच्छेद लेखन में जो भी बातें हमने ऊपर कही है, जिन विषयों पर हमने चर्चा की है, जो विशेषताएं हमने बताई है, क्या यहाँ पर वो सही साबित होती हैं। आइए इस पर अब उदाहरण में चर्चा करते हैं। हमें दिया गया है कि हमें आदर्श विद्यार्थी विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। कैसे लिखेंगे? विद्यार्थी जीवन को जीवन की मधुर अवस्था कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि आदर्श विद्यार्थी अर्थात विद्यार्थी से संबंधित ही पहले वाक्य में भाव डाले गए हैं। यह जीवन की प्रसन्नता और आनंद की अवस्था है, स्थिति है। इस अवस्था में आदमी खेलते कूदते हुए, आनंद लेते हुए जीवन की दिशा तय करता है, अर्थात उसको क्या बनना है वह खेल कूद में आनंद लेते हुए अपने जीवन की दिशा तय कर लेता है, जो हमारा विद्यार्थी जीवन होता है। वह प्रत्येक अच्छाई को ग्रहण करता है, चाहे वह उसे पुस्तकों से मिले या गुरुजनों, परिवारजनों और समाज के लोगों से मिले। आदर्श विद्यार्थी के बारे में और क्या कहा गया है कि उसको अपने जीवन में अच्छाई ही ग्रहण करनी होती है और वह इसको करता भी है, चाहे वह उसको पुस्तकों से अच्छा ज्ञान मिले, चाहे गुरु ने उनको कोई बात बताई है, परिवार के किसी सदस्य ने उसको कोई अच्छी बात बताई है या समाज के लोगों ने उसको कोई अच्छी बात बताई है, वह उसको ही अपने जीवन में ग्रहण करता है, अर्थात वह बुराइयों से हमेशा दूर रहता है, वही आदर्श विद्यार्थी होता है। वह सदैव जिज्ञासु बना रहता है। जिज्ञासु होता है जानने की इच्छा रखने वाला, उसके मन में कुछ ना कुछ जानने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। वह कौवे जैसी चेष्टा
बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, अल्पाहारी कम खाने वाला और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होता है। ये आदर्श विद्यार्थी की विशेषताएं होती है कि वह ब्रह्मचारी होता है, कम भोजन करता है, वह उसकी नींद ज़्यादा गहरी नहीं होती है और बगुले पक्षी के समान उसका ध्यान होता है अपने लक्ष्य पर, और कौवे जैसी वह चेष्टा हमेशा करता रहता है, कोशिश करता रहता है अच्छा कुछ करने के लिए, अच्छा कुछ पाने के लिए। वह सदैव बुराइयों से बचता है, वह अपने कर्तव्यों का पालन हंसकर करता है, वह विद्यालय को साफ सुथरा रखने में सहयोग करता है, वह अपने गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करता है, वह अपने सहपाठियों के साथ मेलजोल के साथ रहता है। वास्तव में ऐसे विद्यार्थी ही देश और समाज के कर्णधार होते हैं, आधार होते हैं, अर्थात वो देश को और समाज को एक अच्छी दिशा प्रदान करते हैं। हमने उदाहरण पढ़ा आदर्श विद्यार्थी का, ये क्या है, एक अनुच्छेद है। आपने इसमें देखा कि कोई भी बात विषय से हटकर नहीं कही गई है, सभी बातें जितने भी वाक्य से प्रयोग हुए हैं वो आदर्श विद्यार्थी से संबंधित है। कैसा विद्यार्थी? आदर्श। कैसा विद्यार्थी? जिसका अनुसरण किया जा सके, जो एक नमूने के रूप में जिसको दिखाया जा सके कि ये अच्छा विद्यार्थी है, और उसमें जो जो अच्छाई होनी चाहिए, कैसा उसका जीवन होता है, वो सब कुछ हमने इसमें जोड़ दिया है, लिख दिया है। कहीं पर भी इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं हुआ है किसी भी बात का, कोई भी वाक्य अटपटा नहीं है, कहीं पर भी कठिन भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है, बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग हुआ है, शब्द सीमा भी हमारी निश्चित है, तय है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी हम कोई अनुच्छेद लिखते हैं तो पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें यही विशेषता होनी आवश्यक होती है। शब्द सीमा का ध्यान रखना होता है, कहाँ पर अल्प विराम, पूर्ण विराम आदि प्रयोग करने हैं वो हमें देखना होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि भाषा सरल होनी चाहिए और वाक्य आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, एक ही भाव का प्रयोग इसमें हमेशा किया जाता है।